जब भी लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना का नाम आता है तो हर कोई पूरा वीडियो देखना चाहता है। और दोस्तों हर कोई चाहता है कि नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों में कौन है ज़्यादा प्रोफेशनल। आइए दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों का कहानी क्या है, कैसे दोनों अपराध की दुनिया में कदम रखा और आज के समय में कौन है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों चर्चा करते हैं नीरज भवाना के बारे में, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के बारे में भी करेंगे। तो दोस्तों नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के बारे में अगर बात करा जाए तो आज के समय में नीरज भवाना का चर्चा जो कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे कौन है ज्यादा प्रोफेशनल। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, नीरज भवाना जो कि साल 2012 में पहली बार जेल गया था, जेल जाने के बाद इसका मुलाकात दाऊद के गुर्गों से होता है, जहां पर कि जेल में रहने के बाद ये उन लोगों से मानो कि एक तरह से अपराध का क्लास लेना शुरू कर देता है। अब ये बहुत कुछ वहां पर सीखता है। जेल से बाहर आने के बाद नीरज भवाना जो कि सबसे पहली बार नीतू दाबोदा गैंग में जाकर के ज्वाइन कर लेता है। अब नीतू दाबोदा उस जमाने का दिल्ली का बहुत ही फेमस गैंगस्टर था, तो उसका एक बहुत बड़ा गैंग था जिस गैंग में काम करना शुरू कर देता है गैंगस्टर नीरज भवाना। दोस्तों नीरज भवाना जो कि नीतू दाबोदा से भी ज़्यादा हाईलाइटेड होना शुरू हो जाता है। इसका वजह यह होता है कि नीतू दाबोदा जो कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है सो आदेश देता है कि ये करो वो करो, लेकिन नीतू दाबोदा से भी ज़्यादा खौफ नीरज भवाना का होना शुरू हो जाता है। नीरज भवाना के नाम पर हत्या, लूट, बदमाशी, चोरी, डकैती, ना जाने क्या क्या नहीं होता था। और नीरज भवाना के अपराध के बारे में जितना चर्चा करा जाए उतना कम है। तो दोस्तों नीरज भवाना के नाम पर दिल्ली में एक पे एक क्राइम होना शुरू हो जाता है। पुनः नीरज भवाना को दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब अरेस्ट होने के बाद नीरज भवाना जो कि जेल जाता है, जेल जाने के बाद अब ये जेल से भी सुपारी लेना शुरू कर देता है। दोस्तों कुछ समय बाद होता यह है कि नीरज भवाना का मुलाकात सोनू पंडित से होता है। सोनू पंडित भी उस जमाने का बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था, तो सोनू पंडित से मिलने के बाद नीतू दाबोदा को डर होने लगता है कि क्या पता नीरज भवाना कहीं हमें ही ना मार दे। और इस तरह से आपको बता दें, नीतू दाबोदा जो कि सोनू पंडित का कत्ल करवा देता है। साल 2012 में गैंगस्टर नीतू दाबोदा जो कि सोनू पंडित का कत्ल करवाता है। कत्ल करवाने के बाद नीरज भवाना जो कि नीतू दाबोदा के खिलाफ हो जाता है। यानी कि आप सोच सकते हो कि जो नीरज भवाना कुछ समय पहले नीतू दाबोदा गैंग में ज्वाइन किया, नीतू दाबोदा के लिए काम किया, अब वही नीरज भवाना नीतू दाबोदा के खून का प्यासा हो जाता है। और दोस्तों फाइनली आपको बता दें, साल 2013 की बात है जब नीतू दाबोदा को पुलिस वाले मुठभेड़ में मार गिराते हैं। अब नीतू दाबोदा और सोनू पंडित दोनों मर जाता है। दिल्ली में बच जाता है एकमात्र गैंगस्टर नीरज भवाना। दोस्तों नीरज भवाना जो कि दिल्ली में अलग अलग तरीके से आपराधिक कर्मकांडों को अंजाम देना शुरू कर देता है और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर नीरज भवाना का खौफ जो कि बढ़ता ही चला जाता है। धीरे धीरे नीरज भवाना की गैंग में सैकड़ों लोग हो जाते हैं और धीरे धीरे देखते ही देखते नीरज भवाना के नाम से लोगों को धमकी देना या फिर नीरज भवाना के नाम पर रंगदारी वसूलना, यही सब चीज़ होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों साल 2015 की बात यदि आप जानोगे, नीरज भवाना ने जो जेल में साल 2015 में मांग किया था, उस मांग के बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। चलो दोस्तों फिलहाल नीरज भवाना की बातों को रोकते हैं, अब चर्चा करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की बातों को। दोस्तों बात है साल 2015 की, जब लॉरेंस बिश्नोई सबसे अधिक चर्चे में आ जाता है। चर्चा में आने का सबसे बड़ा वजह होता है लॉरेंस बिश्नोई का छात्र राजनीति। लॉरेंस बिश्नोई जब DAV कॉलेज चंडीगढ़ में अपना दाखिला लेता है, दाखिला लेने के बाद वहाँ के जो लड़के होते हैं वो कहते हैं, लॉरेंस इस बार का इलेक्शन तुम भी लड़ लो। तो लॉरेंस बिश्नोई जो कि इलेक्शन लड़ता है, लेकिन दोस्तों इलेक्शन में लॉरेंस बिश्नोई को बुरी तरह से हार मिलती है। हार मिलने के बाद लॉरेंस बिश्नोई जो कि कॉलेज में झगड़ा भी कर लेता है और पहली बार लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज में फायरिंग करता है। अब दोस्तों उसके बाद होता यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल चला जाता है। अब दोस्तों यदि आप लोगों को पता हो या फिर पता ना भी हो तो आपको पता ही होगा लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड संपत नेहरा के बारे में। दोस्तों संपत नेहरा का मुलाकात भी उसी समय में हुआ था और संपत नेहरा जो कि कॉलेज के टाइम में तो दोस्त था ही, धीरे धीरे संपत नेहरा जो कि इसके साथ आपराधिक गतिविधि को भी अंजाम देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल जाता है, जेल से पुनः आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई जो कि अपना एक बहुत ही खतरनाक गैंग बनाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे होता यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा पंजाब से लेकर के राजस्थान तक होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों आज के समय में अगर बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में, तो आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा जितना अधिक करा जाए उतना कम है। लेकिन चलिए दोस्तों अब चलते हैं पुनः नीरज भवाना के साल 2015 की घटना के बारे में। जब नीरज भवाना जेल में था साल 2015 में, तो उन्होंने दिल्ली पुलिस के सामने एक ऐसा मांग रखा था जिस मांग को सुनने के बाद हर कोई जो कि आश्चर्यचकित हो गया था। दोस्तों नीरज भवाना ने साल 2015 में जेल में रह करके मांग किया था कि हम लोगों के लिए
टीवी उपलब्ध करवाया जाए, यानी कि टेलीविजन, हम लोगों को फोन दिया जाए बात करने के लिए। साथ ही साथ नीरज बवाना ने कहा था हम लोगों के पास एफएम रेडियो भी होना चाहिए। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नीरज बवाना ने जेल में बनने वाले खाना के ऊपर भी सवाल उठाया। नीरज बवाना ने कहा था कि मैं मांसाहारी व्यक्ति हूँ, मुझे मांस मछली खाना पसंद है, लेकिन जेल में शाकाहारी भोजन दिया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है और हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों बाद में जब ये बात अदालत तक पहुंची थी तो कोर्ट में ये भी कहा गया था कि नीरज बवाना का जो मांग है उस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें साल 1980 की बात है जब बताया जाता है जेल में मांसाहारी भोजन को बंद करवा दिया गया था। और इसका सबसे बड़ा वजह यह था कि जब तक लोग मांसाहारी भोजन कर रहे थे तब तक लोगों का दिमाग जो था ना बिल्कुल खराब रहता था, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मांसाहारी भोजन जो होता है वो तामसिक होता है। मांसाहारी भोजन करने वाले लोगों को गुस्सा अधिक आता है, तो इसीलिए साल 1980 में बताया जाता है जेलों में जो मांस मछली मिलता था वो सारा का सारा चीज बंद करवा दिया गया। तो दोस्तों नीरज बवाना को जब पता चला कि जेल में मांसाहारी भोजन नहीं दिया जा सकता है तो फिर नीरज बवाना ने मांग किया कि क्या हमारे घर से भोजन नहीं आ सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें पहले के समय में होता यह था कि घर से भी लोग भोजन भिजवाते थे, लेकिन घर से जब भोजन भेजा जाता था तो होता यह था कि भोजन के साथ साथ लोग मोबाइल फोन भेज देते थे, भोजन के साथ साथ लोग रुपया भेज देते थे, भोजन के साथ साथ लोग सिगरेट भेजते थे या फिर जो भी नशीला पदार्थ होता था वो भी भेज देता था। तो इस तरह से जेल में हुआ क्या कि घर से जो आता था भोजन उस भोजन को भी बंद करवा दिया गया। तो नीरज बवाना का जो मांग था वो मांग जो कि अस्वीकार कर दिया गया, और नीरज बवाना का जो सपना था कि भाई मेरे को घर का भोजन मिले, मेरे को मोबाइल फोन मिले, देखने के लिए टीवी मिले, रेडियो मिले, तो सारा का सारा सुविधा जो कि नहीं मिला। हालांकि दोस्तों साल 2015 में जो इसका मांग था ये पूरे भारतवर्ष में फैल गया था, और इसके मांग को जानने के बाद जितना भी कैदी था तो कैदी को लग रहा था कि भाई ये तो हमारे हक में बात कर रहा है, लेकिन जो आम पब्लिक थे उन लोगों को काफी हंसी भी आ रहा था कि भाई एक तो जेल में है, ऊपर से इसका सपना देखो कितना बड़ा है, इसको जेल में मोबाइल फोन चाहिए। चलो यार अब आगे चर्चा करते हैं, आखिरकार नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों का गैंग किस तरह से आपस में एक दूसरे से झगड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल जो मैंने पहले किया था कि नीरज बवाना प्रोफेशनल है या फिर लॉरेंस बिश्नोई प्रोफेशनल है, तो अब चर्चा करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों इस तरह से नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों का चर्चा मैंने आपको किया, शॉर्टकट में आपको सब कुछ बताया। अब दोस्तों चर्चा करते हैं साल 2022 के बारे में। दोस्तों बात है 29 मई 2022 की, जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करा जाता है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद नीरज बवाना जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल से लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के लोगों को धमकी देता है। नीरज बवाना कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं और हम सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला तो लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों नीरज बवाना जो कि लॉरेंस बिश्नोई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। हालांकि आज के समय में भी गैंगस्टर नीरज बवाना जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, और अगर बात करा जाए लॉरेंस बिश्नोई का तो दोस्तों कुछ समय पहले तक लॉरेंस बिश्नोई जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही बंद था, लेकिन आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई जो कि पंजाब पुलिस की हिरासत में है और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के केस के मामले में पंजाब पुलिस उसे अच्छे तरीके से रेल रही है। तो फिलहाल अब दोस्तों चर्चा करते हैं आखिरकार नीरज बवाना ज्यादा प्रोफेशनल है या फिर लॉरेंस बिश्नोई ज्यादा प्रोफेशनल है। चलो दोस्तों अब हम थोड़ा सा आपको नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी के बारे में भी बता देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के पिताजी जो कि पुलिस कांस्टेबल नहीं बल्कि एक आम आदमी है, वही अगर बात करा जाए नीरज बवाना के पिताजी के बारे में तो नीरज बवाना के पिताजी जो कि एक बस कंडक्टर थे। तो नीरज बवाना जो कि एक सीधा साधा परिवार से बिलोंग करने वाला एक लड़का था, लेकिन जिसने 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और एक एक करके उसने दिल्ली में इतना कांड करा कि बाद में लोग उसे दिल्ली के दाऊद के नाम से बुलाना शुरू कर दिए। हालांकि यही सब कहानी है नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई का। और दोस्तों यदि चर्चा करा जाए नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई का कहानी का बहुत अधिक, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो घंटों घंटों का हो जाएगा और ख़त्म नहीं होगा कहानी। तो फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना था, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को हाईलाइट दिया। आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत जानने के बाद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों फिर कभी आपको बताऊंगा नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों आप लोग बताना कि नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों में किसका कहानी आपको अच्छा लगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कभी भी इन लोगों की कहानियों को सुनने के बाद आप कभी भी इस तरह का हरकत करने का कोशिश ना करें। और हाँ, एक सवाल का मैंने जवाब तो दिया ही नहीं,
कि लॉरेंस बिश्नोई ज़्यादा प्रोफेशनल है कि नीरज बवाना ज़्यादा प्रोफेशनल है। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना में अगर चर्चा करा जाए तो नीरज बवाना भी शौकीन है और लॉरेंस बिश्नोई भी शौकीन है, लेकिन अगर बात करा जाए किसी के ज़्यादा शौक का तो नीरज बवाना के अलावा लॉरेंस बिश्नोई जो कि ज़्यादा शौकीन है। लॉरेंस बिश्नोई जो कि ब्रांडेड टी शर्ट पहनता है, ब्रांडेड पेंट पहनता है, जिस वजह से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सवाल भी उठाया था। कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि रहता तो है जेल में, है तो मर्डरर, लेकिन उसके बावजूद भी ये ब्रांडेड टी शर्ट पहन के निकलता है, ये कहाँ का रूल है। तो हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर सवाल उठता ही रहता है, और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, और आज समय का भी अभाव है, आशा करता हूँ कि अगले वीडियो का आपको इंतज़ार अवश्य रहेगा।